पूरे 20 लाख है। आप घर से बहुत तैयारी करके आई होगी ना? रात भर सो ही नहीं होंगी ये सोच सोच करके किसकी कितनी बेइज्जती करनी है, किस पे कौन से ताने कसने हैं, क्या क्या टेलों मारने हैं। सोचिए हाँ, आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। आप ये चेक उठाइए और जाइए। अब आप ये नेम प्लेट का क्या करेंगे? एक काम कीजिए, यहाँ से बाहर निकलते ही ना बाईं तरफ एक कचरा पेटी है, उसमें इसे टाल दीजिएगा। अनुपमा के पास चेक था और इसने मुझे रास्ते में बताया भी नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि इसे यहां हीरोइन बनना था। चेक तुम्हारा और साइन अनुज कपाड़िया की। वाह, याराना हो तो ऐसा। आपको पैसों से मतलब या साइन से मतलब? ऑफ कोर्स पैसे से। जानती थी, जिसे रिश्तों से कोई मतलब नहीं है, जिसे इंसानियत से कोई मतलब नहीं है, जिसे अपनी बेटी तक से मतलब नहीं है, उसे साइंस से क्या मतलब होगा? पैसे मिल गए ना, तो चलिए उठिए, उठिए मेरे बाप के झूले से। तुम्हारे तेवर देख के तो लग रहा है कि मैंने तुम्हें हेल्प करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो भी जो आपने मेरे बाप बाबूजी के साथ किया ने, उसके बाद मुझे ये चेक नेम प्लेट पर नहीं आपके मुंह पर चिपकाना चाहिए था पोस्टर की तरह। कहिए तो अपनी गलती सुधार लो। और आपने मेरी मदद नहीं की थी, आपने सौदा किया था। अपना समझकर मैं आपके पास आई थी, पर आज कसम खाती हूं कि भगवान ना करे कभी ऐसा समय फिर आए हमारी जिंदगी में, तो अपनी किडनी बेच दूंगी, जान दे दूंगी, लेकिन आपके दरवाजे पर नहीं आऊंगी। डोंट वरी, अनुज कपाड़िया तुम्हारी किडनी नहीं बिकने देगा। अरे किडनी तो क्या, वो तुम्हारे बाल का ये 2 रुपए वाला रबर बैंड भी नहीं बिकने देगा। राखी दवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनुपमा को हाथ लगाने की? रहने दीजिए मिस्टर शाह, कुछ लोग तो गुस्से के भी लायक नहीं होते। वैसे अगर औरत के बाल खुल जाने तो उस पे चंडी का रूप आ जाता है। देखना है, देखना है। अगली बार ऐसी टुच्ची हरकत करने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। इस बार तो मैंने रिश्ते का लिहाज कर लिया, लेकिन अगली बार नहीं करूंगी। समझ में आया? और मैं अब भी मुंबई से आई हूं, वहां पर मैंने एक बहुत अच्छा वाक्य सीखा है, चला चला उड़े चला, मतलब निकलो आगे निकलो। मेरी बाप को नागिन कहती थी और मैं उनसे कहती थी कि नागिन का तो स्वभाव है डसना और हमारा स्वभाव है प्यार करना। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रही तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़े हैं?
पर आज से हॉबी से मैं अपना स्वभाव छोड़ रही हूं। आज तक आपकी हर गलती को माफ किया। रिश्ते का लिहाज कर करके आपको हर तीज त्योहार में बुलाया, पर आज आप मेरे बा के चूल्हे पे बैठे मेरे बा और बापूजी को घुटने पर ले आए। संबंध तो है और रहेगा, पर आज के बाद इस संबंध में सम्मान नहीं होगा। हाथ से मेरी बहू ना तो आपके घर जाएगी और ना ही आप अपनी बेटी से मिलने मेरे घर आएंगी। एकदम सही कहा, अब ये भीम बजाना बंद कर। बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुपमा। आइए राखी जी, आपको मैं बाहर तक छोड़ दूं। आइए ना। आइए। मॉम। समर, समर, गंगा जल्ला। Hope to never see you again. अनुज के दिल ने अनुपमा को जीत लिया और उसकी दौलत ने तुम्हें बन राशा। अनुपमा, राखी दवे ने आज तक सिर्फ मजे लिए थे, लेकिन अब बदला लेगी। मैं लौटूंगी और बहुत जल्द लौटूंगी अनुपमा, बहुत